नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कई बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। आईबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि एक दर्जन नेताओं को पहले ही सरकार की तरफ से वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन कई नेता हैं जो आतंकी खतरे की जद में है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसके लिए सूचना दी है, सूचना भेजी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी पत्रिका के नए एडिशन में भाजपा के खिलाफ हमले की बात लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर छपी है उसके मुताबिक आईबी ने भी रिपोर्ट सौंपी है इसको लेकर, और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी सूचना दी गई है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी पत्रिका के नए एडिशन में भाजपा के खिलाफ हमले की बात लिखी है। और न सिर्फ पत्रिका में लिखी गई है ये बात, बल्कि आतंकी संगठन ने जो पत्रिका में लिखा है उसको ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ ही रेल पुलिस को भी अलर्ट किया है। बिहार में कई ऐसे बीजेपी नेता हैं जो अक्सर आतंकियों के निशाने पर हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं, या अपने बयानों की वजह से उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कुछ खास संगठनों के निशाने पर हैं। तो वैसे नेताओं में गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, डॉक्टर संजय जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, कई नेताओं पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जो रिपोर्ट में बात सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है। और इसको देखते हुए जो प्रशासन है, पुलिस मुख्यालय है, वो अलर्ट मोड में है। कई नेताओं को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। हाल ही में ये खबर आई थी, आप जानते हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनको अलग से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली रिपोर्ट और चिंताएं बढ़ाने वाली रिपोर्ट एक तरह से आतंकी हमले का खतरा बीजेपी के कई नेताओं पर मंडरा रहा है। हालांकि पूरी तरह से सजग है पुलिस मुख्यालय और एसएसपी को निर्देश भी दे दिए गए हैं, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी जरूर कर रखी है, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि एक आतंकी संगठन ने अपने मैगजीन में ये बात लिखी है कि बीजेपी पर हमले की तैयारी है और उसको ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि दरअसल खतरा कितना बड़ा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।